Happy morning, dear children. Welcome back to your science class. So, आज हम क्या करेंगे? We will learn about lesson number 9, capacity. And our today's topic is capacity. Lesson 9, measurement, part 4, capacity. Okay? हमने measurement के बारे में बहुत कुछ सीखा. We learned about length, mass, and today we will learn about capacity. Okay? So, are you ready? Let's see. Capacity. Capacity is the amount of a liquid that a container can hold. Dear children, capacity का मतलब होता है एक container अपने अंदर कितना लिक्विड स्टोर कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आर वाटर बॉटल, हमारी वाटर बॉटल कितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकती है. सो वो जो स्टोरेज नंबर निकलेगा, वो जो हमारा मेजरमेंट निकलेगा, दैट इज़ नोन एज कैपेसिटी. आर यू ऑल क्लियर? ओके. मिल्क, ऑयल, पेट्रोल और कैरोसिन आर मेजर्ड इन लीटर्स. इन व्हाट यूनिट दे आर मेजर्ड? दे आर मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर्स. इनके यूनिट्स क्या क्या हैं? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. आर यू ऑल क्लियर? ओके. Liter and milliliter are commonly used as the unit of capacity. Liter and milliliter दोनों capacity के commonly used units हैं. Then what do we have? Large amount of liquid is measured इन लीटर. अगर हमें ज़्यादा अमाउंट मेजर करना है, सो दैट विल बी मेजर्ड इन लीटर्स. ओके. एंड अगर हमें स्मॉल अमाउंट मेजर करना है स्टोरेज का, सो दैट विल बी मेजर्ड इन ml, दैट इज मिलीलीटर्स. आर यू ऑल क्लियर? नाउ डियर चिल्ड्रन, these are the measuring capacities. ये containers जो है हमारे पास, they are called as the measuring containers of capacity. Okay? Now, what is the time? It's time for our fun work. But before the fun work, I have a small activity for you. You have to name all these measuring capacity containers. For example, इस container को test tube बोला जाता है. So, आपको बाकी के 4 instruments के नाम मुझे लिख के उनके photo shots भेजने हैं. Okay? आप ये करोगे ना? Very good. Now it's time for our fun work, dear children. And fun work, आपके पास पूरा worksheet compiled format में है, right? तो अभी हम worksheet देखेंगे and उसमें हम लोग activities भी देखेंगे. Okay? So let's see our worksheet. Where is it? So dear children, this is our worksheet. आपको अगर याद हो तो हमने एक्टिविटी 1 डिस्कस किया है, हमने एक्टिविटी 2 भी डिस्कस किया है, एक्टिविटी 3 भी डिस्कस किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर आर एक्टिविटी 4 एंड दिस इज बेस्ड ऑन द वीडियो लेसन पार्ट 4. ओके. सो आर क्वेश्चन इज find out and write the capacity of the following. नीचे हमें कुछ products दिए गए हैं. Okay?
हमें उनकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा हिंट भी आपको दिया है, चेक द लेबल्स ऑफ ऑल द बिलो गिवन आइटम्स और गुड्स। फर्स्ट अ बॉटल ऑफ शैम्पू, शैम्पू की जो बॉटल है आपको उसकी कैपेसिटी बतानी है, ओके। एंड इट इज़ अ स्मॉल थिंग, सो उसे हम कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, इट विल बी इन मिलीलीटर, दैट इज ml। एंड देन योर स्कूल वाटर बॉटल, हमारी जो स्कूल वाटर बॉटल है उसका कैपेसिटी कितना है, यू हैव टू फाइंड द लेबल एंड देन यू विल फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। अ पैकेट ऑफ मिल्क, हम दूध परचेज करते हैं, वी परचेज मिल्क, सो मिल्क की कैपेसिटी भी आपको उसके लेबल पे मिलेगा उसके पैकेट के बाहर, सो यू विल बी फाइंडिंग इट एंड यू विल बी राइटिंग हियर एंड यू विल फिल इन द ब्लैंक। अ बॉटल ऑफ कैचअप, आपको कैचअप की बॉटल की भी कैपेसिटी ढूंढनी है बॉटल के लेबल पर, ओके डियर चिल्ड्रन। नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये बोल्ड लेटर्स में मिलेंगे, दिस विल बी द कैपेसिटी, ओके। लाइक 1 kiloliter इक्वल्स टू डैश लीटर, आपको वो अपने टेक्स्ट बुक में फाइंड करना है एंड यू विल फिल इट ओवर हियर एंड यू विल सेंड मी द फोटोशॉट। सेकेंड 1 liter इक्वल्स टू डैश milliliter, यू विल फाइंड द ब्लैंक इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल फिल इट ओवर हियर, ओके डियर चिल्ड्रेन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द फ्रेश टॉपिक ऑफ आर लेसन 9 मेजरमेंट। टिल देन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड द आंसर्स। बाय, गॉड ब्लेस यू।